हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आज हमारे पास में यहां पर है बहुत सारे रैट ट्रैप्स। दोस्तों ये जो रैट ट्रैप्स हैं, ये बेसिकली कुछ इस तरीके के, यार ये तो ज़्यादा ही चिपक गया, ये जो है कुछ इस तरीके के ग्लू ट्रैप्स होते हैं। हमने इसको जोर से गिरा दिया तो मुझे लगता है ग्लू ही चिपक गया। ये काम आता है चूहे पकड़ने की। इसको हम रख देते हैं, थोड़ा सा इस पर खाना वगैरह डाल देते हैं, चूहा आता है और इसके ऊपर ये जो ग्लू है ना, देखो इसमें चिपक जाता है कुछ इस तरीके से और इसमें फंस जाता है। बाद में हम चूहे को छुड़ा भी सकते हैं उस पर वेजिटेबल ऑयल डाल के, ताकि वो बाहर निकल सके, जहां चाहे वहां घूम सके। लेकिन आज हम लोग ऐसा कोई भी चूहा नहीं पकड़ने वाले। हमारे पास में दो तरीके के हैं। ये जो है लक्ष्मण रेखा का है और वो पहले वाला हिट का था। लेकिन भैया आज कोई चूहा नहीं पकड़ेंगे, ये वाला जो है बुक की तरह खुलता है। आज क्या पकड़ेंगे? आज इसके ऊपर गाड़ी चलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहां पर है हमारे पास में गाड़ी। गाड़ी के सामने रख देंगे 50 ग्लू ट्रैप्स को और फिर चलाएंगे। एंड लेट्स सी कि क्या होता है, क्या ये जो ग्लू ट्रैप्स है, इसके ऊपर गाड़ी का टायर चढ़ेगा तो क्या ये उस पर चिपक जाएंगे, या फिर टायर इस पर चिपक जाएगा, या जो भी होगा। लेकिन आपको कह रहा हूं कि भाई प्लीज ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, सिर्फ चूहे पकड़ने के लिए इस चीज को अगर आप यूज करना चाहते हो तो करो, क्योंकि इसका जो ग्लू है ना यार, ये बड़ा ही गंदा चिपकता है देखो, और ये ऐसे हटता भी नहीं। इसको हटाने के लिए भी या तो केरोसिन चाहिए या फिर वेजिटेबल ऑयल चाहिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। गाइज, दिस वीडियो इज पावर्ड बाई गो मैकेनिक। और जिन लोगों को नहीं पता गो मैकेनिक क्या है, तो भाई गो मैकेनिक एक ऐप एंड वेबसाइट बेस्ड कार सर्विस प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 500 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे पैन इंडिया। यहां पर आपको हाईली स्किल्ड मैकेनिक्स मिल जाएंगे और आप गाड़ी से रिलेटेड सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जैसे कि पीरियोडिक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, डेंटिंग एंड पेंटिंग, व्हील केयर, कार केयर, एसी सर्विसेज, टायर एंड बैटरी रिप्लेसमेंट। गाइस, यहां पर आप कार इंश्योरेंस रिलेटेड सभी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आप 40% तक सेव करेंगे कंपेयर टू एन ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। दोस्तों आपको एक महीने या फिर 1000 किलोमीटर की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है गो मैकेनिक की तरफ से, और आपको फ्री डोरस्टेप पिकअप एंड डिलीवरी की सर्विस भी मिलती है। दोस्तों आपको जो स्पेयर पार्ट्स यहां पर मिलेंगे वो 100% जेन्युइन OEM एंड OES स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। आपकी गाड़ी का सैनिटाइजेशन किया जाएगा हर सर्विस के बाद में, क्योंकि कोरोना का टाइम है। आपको सिंपली क्या करना है भाई, आपको अपनी जो कार है वो सेलेक्ट करनी है, आपको अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है, चूज करनी है, और आपको अपना जो सुटेबल टाइम है वो सेलेक्ट करना है। गाइस, गर्मी के मौसम में जो एक सबसे जरूरी चीज गाड़ी में होती है वो होती है गाड़ी का AC। और गो मैकेनिक ऑफर कर रहा है समर स्पाइस पैकेज, जहां पर आपको मिलेगा फुल AC सर्विस, PPF सिरेमिक, फ्लूइड इंस्पेक्शन और कार स्पा। तो भाई देर किस बात की, अपनी गाड़ी का उतना ही ख्याल रखिए जितना आप अपना रखते हैं। विद गो मैकेनिक, डोंट पैनिक, मेरी तरह जस्ट गो मैकेनिक। दोस्तों आप देख सकते हो इसके ऊपर एक चूहा बना है और इसमें ये फंसा है, कुछ ऐसे ही इसमें चूहा फंसता है। चूहे के जो बाल है वो ग्लू में उलझ जाते हैं, लेकिन वैसे ये नॉन पॉइजनस है, यानी कि इसमें कोई भी पॉइजन का यूज नहीं है, तो ये जो है थोड़ा सा सेफ ही है यूज करना। लेकिन फिर भी यार बच्चों से इसको दूर रखना चाहिए, मान लो बच्चों का हाथ वाथ चिपक गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब इन सारों को खोलते हैं और इसको गाड़ी के आगे लगाते हैं, चलो। तो भाई ये मैंने रख दिया पहला ग्लू ट्रैप, और यहाँ पर ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ग्लू ट्रैप एक लाइन में होने चाहिए, नहीं तो जो सारे टायर हैं गाड़ी के, मतलब सॉरी जो टायर है वो सारे ग्लू ट्रैप पे नहीं चढ़ेगा। सारे तो कितने यार, दो ही टायर होते हैं आगे तो। तो गाइस फाइनली हमने सारे ग्लू ट्रैप्स को यहां पर लगा दिया गाड़ी के सामने। आप लोग देख सकते हो एक साइड में चौड़े वाले हैं और एक साइड में जो है यहां पर सकरे वाले हैं। ये वाले लक्ष्मण रेखा के हैं, ये वाले जो है हिट के हैं। दोनों अलग अलग है लेकिन चीज सेम ही है, दोनों में ग्लू ही होता है जिसके ऊपर चूहा चिपकता है। तो अब भैया बारी है टायर के ऊपर चढ़ाने की। और यार जब मैं इसके ऊपर चढ़ा था ना, बड़ा ही बेकार ग्लू लगा था भाई। मैंने 3 घंटे अपने बॉडी के ऊपर जो है वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, पता नहीं क्या क्या लगाया, तब जाके बॉडी पे से उतरा था। ठीक है, तो अगर आप इनको यूज भी करते तो कोशिश करना कि ये हाथ पे या कहीं भी ना लगे यार, बहुत बेकार चीज है। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के टायर पे ये क्या करता है या क्या नहीं करता है। ठीक है, चलाते हैं गाड़ी को। ओए लाइन में आओ, इसका ध्यान रखना एकदम सीधा। ठीक है, ध्यान रखना, चला रहा हूं। ठीक है, क्या हो रहा है?
पैर पे चिपक गए गोल गोल। तो गाइस अब थोड़ा सा स्पीड से चला रहा हूँ। क्या चल गई पूरे पे? क्या हुआ है? ओहो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो ग्लू ट्रैप्स हैं वो टायर के ऊपर यहाँ पर गोल 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 चिपक चुके हैं। और भाई साहब ये देखो, ये ढंग से चिपक गए हैं और गाड़ी चल भी रही है इसके ऊपर। देखो देखो यहाँ पर जो ग्लू है वो टायर्स पे लग गया। और दूसरी साइड में जो है यहाँ पर भी जो है ऐसा ही कुछ हाल है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी ये जो ग्लू ट्रैप्स जो चिपक गए हैं, एक बार उखाड़ने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज गाड़ी तो नहीं चिपकी लेकिन जो ग्लू ट्रैप्स हैं वो गाड़ी के ऊपर चिपक गए ऑब्वियसली, क्योंकि भाई चूहे में वजन होता है कुछ ग्राम लेकिन गाड़ी के अंदर वजन है कुछ टन। ठीक है, तो ग्लू ट्रैप ही ऑब्वियसली चिपकेगा। तो अब बारी है इस गाड़ी को चलाने की। यार मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे ना छोड़ के, ग्लू ट्रैप्स को ना हटा के, अगर इसको चला करके देखा जाए कि क्या ये ग्लू ट्रैप्स पे चिपके रहेंगे या फिर ये उखड़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा चलाते हैं इसको। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे आवाज आ रही है बहुत बेकार सी, बहुत अजीब सी आवाज आ रही है। गाइज यहाँ पर जो कंटिन्यूअसली ऐसी कुछ आवाज आ रही है जैसे कि मतलब कुछ चिपक रहा हो, कंटिन्यूअसली हट रहा हो। मुझे लगता है जो ग्लू ट्रैप्स हैं वो मुड़ के चिपक रहे हैं, हट रहे हैं। बहुत बेकार सी आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छी सी नहीं लग रही। तो और चलाते हैं थोड़ा इसको। Tail gate open. Please check. थोड़ा और चलाते हैं, इधर आ जाओ। क्या हालत है अभी? गाइज यहां पर गाड़ी जो है लगभग 100-150 मीटर चल चुकी होगी और अभी भी जो ग्लू ट्रैप्स हैं वो चिपक गए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो है अभी कुछ ज्यादा ही चिपक गए, ये जो है पहले से भी ज्यादा चिपक गए, टूट भी गए हैं अंदर के अंदर ही। ओ शिट, पीछे वाले टायर पे भी लग गए हैं। पीछे कैसे पहुंच गए? ये रहा, ओ तेरी। गाइस ये जो ग्लू ट्रैप है देखो पीछे है, ये पीछे कैसे पहुंच गए? मतलब उसमें से शायद ये हट गए होंगे। और गाइस जो गाड़ी है उसने ग्लू ट्रैप्स की ऐसी की तैसी कर दी है। सही बताऊं तो देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर ये जो है टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा सब कुछ हो गया है। लेकिन यार भाई देखो एकदम अलग सी चीज थी ना, मतलब गाड़ी जो है वो ऐसी चीज पे चल रही है जो कि बहुत ज्यादा स्टिकी है। ये जो चीज है ना, ये देखो किस तरीके से इसमें से ये निकलता है। ये ग्लू जो है यार ये अच्छा नहीं लगता। और मैं जो है बहुत सारा लगा चुका हूँ मेरे ऊपर पिछली वीडियो में, तो इसलिए मुझे पता है कि यार ये कितनी बेकार है, हटती नहीं है, बड़ी मुश्किल से हटती है। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और चलाते हैं, थोड़ा स्पीड से भी चलाते हैं और देखते हैं कि रेड ट्रैप्स का क्या होता है। चलो भाई यहाँ पर। और गाइज पता है अंदर एक आवाज सी आती है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और आप देखते हैं कि क्या होता है। और एक बार जो ब्रेक भी मारेंगे थोड़ा सा। टेल गेट ओपन। चलो कोई बात नहीं, हाँ खुला रह गया थोड़ा सा। ओ आवाज आ रही है भाई, खटर 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 की आवाज आ रही है बहुत तेज यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पर जो गाड़ी है उसको लगभग हमने 1-1.5 किलोमीटर चला लिया है। और रेड ट्रैप्स कहाँ गए हैं? उड़ गए क्या बीच में? उड़ गए। या फिर वो इसमें मिल गए? नहीं यार उड़ गए। तो गाइज जो ट्रैप्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो गए और इवन पिछले टायर पे भी इतना ही कचरा आ गया, यानी कि आगे से जो है जो ट्रैप्स हैं वो पीछे की तरफ में शिफ्ट हो गए, इसमें से छूटते गए और पीछे लगते गए। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि जो रेड ट्रैप्स हैं उनकी क्या हालत होती है, वो जो है इसके ऊपर चिपक जाते हैं जब हम गाड़ी को चलाते हैं रेड ग्लू ट्रैप पे। जो ग्लू होता है बेसिकली, तो वो जो है ट्रैप्स को इस तरीके से चिपकाता है कि इसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक लेयर चिपकती जाती है। और कितना सेटिस्फाइंग वो चीज़ है, इसीलिए हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो गाइस अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी ही और मजेदार वीडियोज के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।